आज ये वीडियो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में है। इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया है और पहचान भी बताया है, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ कि जिस शब्द से किसी भी पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से किसी महिला का पता चलता है या महिला जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसमें देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जिन शब्दों के सार्थक जोड़े संभव होते हैं उन्हें पुरुष बोधक संज्ञाएं पुल्लिंग एवं स्त्री बोधक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहें अगर तो पिता, पिता क्या है, पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग होगा पिता का माता। नेक्स्ट है भाई, भाई पुल्लिंग है, तो उसकी अगर उसको स्त्रीलिंग में आप चेंज करेंगे तो बहन जो है स्त्रीलिंग में हो जाएगा। मोर की अगर बात करें तो उसका स्त्रीलिंग होगा मोरनी। घोड़ा का अगर घोड़ा पुल्लिंग है तो उसकी स्त्रीलिंग की बात करें तो घोड़ी जो है इसका स्त्रीलिंग होगा। गूंगा तो उसका स्त्रीलिंग होगा गूंगी। लोहार है तो उसका जो स्त्रीलिंग होगा लोहारिन। साधु है तो साध्वी। मियाँ तो बीबी। भाग्यवान कहा जाता है पुरुषों, और भाग्यवती इसका जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठठेरा जो बर्तन बनाता है, तो बर्तन बनाने वाले की वाइफ को क्या कहा जाएगा, ठठेरिन। कोई विद्वान है तो उसकी वाइफ को विदुषी कहा जाएगा, उसका स्त्रीलिंग है देव, और उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा देवी। गोप है तो गोपी। सांप सांपिन। मेहतर तो मेहतरानी। भैंसा तो भैंस, उसका जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। हंस है तो हंसिनी, उसका स्त्रीलिंग होगा। कुम्हार है तो कुम्हारिन होगा। नेता है तो नेत्री होगा। धावक है तो धाविका, जो दौड़ते हैं, दौड़ता जो है वो धावक है। अगर लड़कियां दौड़ती हैं तो धाविका बोला जाएगा उन्हें। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं, कोई व्यक्ति अगर कवि है तो उसकी वाइफ या फिर कोई अन्य महिला करती है, लिखती है कवि, तो कवित्री उसे कहा जाता है। रचयिता कोई है तो अगर कोई महिला कर लिखती है रचना करती है तो उसे रचयित्री कहा जाता है। करता है तो करती बोला जाएगा इस स्त्रीलिंग में। अभिनेता है तो स्त्रीलिंग में अभिनेत्री बोला जाएगा। कोई पूज्य है तो उसे पूज्या कहा जाएगा स्त्रीलिंग में। आचार्य है तो उसे आचार्या कहा जाएगा। शिक्षक है तो शिक्षिका कहा जाएगा स्त्रीलिंग में। तपस्वी है तो तपस्विनी कहा जाएगा। धाता है तो धात्री। भव है तो भवानी कहा जाएगा। आप सभी लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठाकुर है तो ठाकुराइन कहा जाता है। पंडित है तो पंडिताइन कहा जाता है। ऐसे ही गुप्ता है तो गुप्ताइन कहा जाता है, सभी को पता है। जेठ है तो जेठानी। योगी है तो योगिनी। कृष्णा है तो कृष्णा। भेड़ा है तो भेड़, उसका स्त्रीलिंग होगा। पुजारी है तो पुजारिन। बिलाव है तो उसका स्त्रीलिंग बिल्ली होगा। प्रबंध करता है तो प्रबंध करती हो जाएगा। और नायक है तो नायिका, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।